हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीए वीना देसाई और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एसीसीए F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। बच्चों, कल वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेरियस इश्यूज दिखे थे रिगार्डिंग लॉसेस एंड डिस्क्रिपेंसीज और उन पर किस तरह से कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं, हमने वो भी देखा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि लॉसेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल लॉसेस, और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखा। आज उसी में हम एक और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, डेट इज परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री, नाउ व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री? परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या होता है? परपेचुअल इन्वेंट्री इज द रिकॉर्डिंग एज द अकर ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज एंड द रिजल्टिंग बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन इधर क्वांटिटी और क्वांटिटी एंड वैल्यू। मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे ही आपने कोई रिसिप्ट किया उसको आपने रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही कुछ आपका इश्यू किया उसको भी आपने फॉरन रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? परपेचुअल इन्वेंट्री कहलाता है। बच्चों, हमने कल दो लेजर के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था बिन कार्ड और दूसरा हमने देखा था स्टॉक लेजर, बिन कार्ड एंड स्टॉक लेजर। तो व्हाट इज बिन कार्ड? बिन कार्ड स्टोर डिपार्टमेंट में रहता है, स्टोर कीपर के पास में। अब स्टोर कीपर क्या करता है? अगर हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो स्टोर कीपर क्या करता है, जैसे ही गुड्स आ रहा है, जैसे ही गुड्स आ रहा है वो फॉरन बिन कार्ड में उसको एज ए रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लेता है, और जैसे ही गुड्स वो इश्यू करता है फॉरन उसे रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। यहां पर हमारी सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड रहती है। और एक हमारा कहां होता है? स्टोक लेजर में होता है। स्टोक लेजर में क्या होता है, जैसे ही आपके ये हम लोग पीरियोडिक पर करते हैं, बट यहां पर भी रिसिप्ट और इश्यू पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड रहता है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों के दोनों रिकॉर्ड होती है। हम इनवॉइस से, परचेज इनवॉइस से यहां पर प्राइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है कि जैसे ही आपके पास गुड्स आ रहा है आपने उसे रिकॉर्ड किया, जैसे ही गुड्स इश्यू किया आपने उसे रिकॉर्ड किया, ये सिस्टम क्या कहलाता है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। नाउ देखते हैं क्या होता है परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री इज द रिकॉर्डिंग एज दे अकर। मतलब क्या है परपेचुअल इन्वेंट्री? इट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। आप फॉरन रिकॉर्ड कर लो एज दे अकर ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज एंड द रिजल्टिंग बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन अदर क्वांटिटी और क्वांटिटी एंड वैल्यू, ठीक है। बिन कार्ड में हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर लेजर में हम क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये क्या सिस्टम क्या कहलाता है? जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरन रिकॉर्ड करना और उसका बैलेंस भी रिकॉर्ड कर देना, ये क्या कहलाता है? हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री कहलाता है। नाउ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड यूजिंग स्टोर लेजर कार्ड्स एंड बिन कार्ड्स, दोनों कार्ड्स हम यूज करते हैं। बिन कार्ड्स ऑल्सो शो ए रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंसेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री हैंडल्ड बाय स्टोर्स। तो बिन कार्ड क्या दिखाता है? इन्वेंट्री क्या आपका, मतलब रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंसेस, ये तीनों बिन कार्ड दिखाते हैं जो स्टोर डिपार्टमेंट में हो रहा है। एज विद द स्टोर लेजर कार्ड, बिन कार्ड विल शो मटीरियल रिसीव्ड फ्रॉम परचेज एंड रिटर्न्स एंड इश्यूड फ्रॉम रिक्विजिशंस। तो स्टोर लेजर में क्या चीज है? आपकी परचेजेस और रिटर्न्स जो आपकी इनवॉइसेस से हैं, ठीक है, और विद प्राइस दिखाते हैं और इश्यूज भी दिखाते हैं, एमआरएन यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम पूरा क्या कहलाता है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री? तो क्या करेक्ट डिस्क्रिप्शन है? द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स ऑन अ रोटेटिंग बेसिस। नहीं, द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग ऑफ सिलेक्टेड आइटम नहीं, ये हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कहलाता है या फिजिकल स्टॉक टेकिंग कहलाता है। और रोटेटिंग बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग, ये स्टॉक टेकिंग कहलाता है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री नहीं है। द रिकॉर्डिंग एज दे अकर ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज एंड रिजल्टिंग बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, यस दिस इज परपेचुअल इन्वेंट्री। कि जैसे ही आपकी रिसिप्ट हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं, रिजल्टिंग बैलेंसेस आपने उसको जैसे ही हुआ आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, ये आपका क्या कहलाता है? परपेचुअल इन्वेंट्री कहलाता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री डेट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नो,
काउंटिंग एंड वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस और फॉर एग्जांपल वीकली बेसिस, ये हमारा फिजिकल कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन कराता है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? बी. सो दिस इज द आंसर. नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो है हमारा मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि हम इन्वेंट्री को किस तरह से वैल्यू करते हैं. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं. एक होता है फीफो, लीफो एंड एवरेज वैल्यू कॉस्ट मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. फीफो को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस इज एवरेज वैल्यू कॉस्ट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. देखिए स्टोर लेजर में जो आप इन्वेंट्री की वैल्यू लिख रहे हैं, ओके, जैसे जो इश्यू की वैल्यू दिखा रहे हैं, देखिए परचेज की वैल्यू तो क्या होगी, जितनी पर आ रही है आपकी वो वाली आएगी. ये देखिए स्टोर लेजर में आपकी देखिए क्या होता है, रिसिप्ट होती है, इश्यू होता है और फिर यहां पर आपका बैलेंस फिगर शो होता है. ठीक है, रिसिप्ट तो आप सप्लायर से रिसीव कर रहे हैं, तो सप्लायर से जिस प्राइस पर आपकी आ रही है वो प्राइस आप यहां पर रिसिप्ट साइड में शो कर देते हैं. लेकिन हम इश्यू की कौन सी प्राइस शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्राइस पर इतने सारे गुड्स होते हैं, तो हम कौन सी प्राइस इश्यू प्राइस दिखाएंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले मेथड्स यूज करते हैं. तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया आप उससे पहले इश्यू कर दो. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड दिस इज एवरेज वैल्यू कॉस्ट मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. तो आइए एक एक मेथड हम देखते हैं यहां पर. सो फर्स्ट मेथड इज फीफो. फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे परचेज. देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास आया फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 100 यूनिट्स आई एट द रेट ₹10, फिर सेकंड अक्टूबर आया मेरे पास अगेन 100 यूनिट्स आई एट द रेट ₹20, फिर मेरे पास थर्ड अक्टूबर 50 यूनिट्स आई एट द रेट ₹15. ठीक है, अब अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रही हूँ, फीफो मेथड यूज कर रही हूँ और मुझे फोर्थ अक्टूबर मुझे सपोज 80 यूनिट्स इश्यू करनी है, ठीक है, तो मैं किस पे करूंगी, इन मेरे पास तीन प्राइसेस के मटेरियल हैं, ठीक है, 10, 20 एंड 15. तो हम कौन सी प्राइस पर अपना मटेरियल इश्यू करेंगे, तो 80 यूनिट्स जो हम करेंगे अगर हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास मटेरियल पहले आया है आप पहले उससे इश्यू करेंगे. तो 80 यूनिट्स हम पहले किस पर इश्यू करेंगे, 10 पर इश्यू करेंगे, राइट. अगर मुझे 120 यूनिट्स इश्यू करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर फीफो मेथड कर रहे हैं तो पहले तो 80 यूनिट्स हम यहां से लेंगे जो हमारे पास पहले आई एंड 100 यूनिट्स, राइट, और जो रिमेनिंग 20 यूनिट्स हैं वो हम कौन सी वाली लेंगे जो उसके बाद में आई है, ठीक है, जो सेकंड नंबर पर आई है, तो यहां से 20 की प्राइस पर अडॉप्ट करेंगे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड फीफो मेथड. सो व्हाट इज फीफो मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे परचेज. जिस ऑर्डर में आप परचेज कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आप इश्यू करें, ये आपका क्या कहलाता है, फीफो मेथड कहलाता है. लुक appropriate for many businesses, बहुत सारे businesses के लिए appropriate है. Retailers selling fresh food using sell by date rotation techniques. For example, क्या होता है, हम लोग अगर food business में है तो हम food business में तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि food क्या है, perishable goods है, ठीक है, बहुत जल्दी वो deteriorate होने शुरू हो जाते हैं. तो जब हमारे पास पेरिशेबल गुड्स है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले आया हम उसे पहले कंज्यूम करते हैं, या जो पहले आया आप उसे पहले इश्यू कर देंगे, ठीक है. तो जब पेरिशेबल गुड्स हैं, इस तरह के जब हमारे पास गुड्स होते हैं उनमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, फीफो मेथड अप्लाई करते हैं. नाउ फीफो मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है. तो बहुत ही लॉजिकल है कि भाई जो पहले आया आप उसे पहले इश्यू कर दो, ओके, तो लॉजिकल है. रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लाइकली फिजिकल फ्लो, तो वेरी लॉजिकल मेथड. इजीली अंडरस्टूड, समझने में बहुत ही इजी है. देखिए यहां पर कर रहे हैं ना, जो पहले आ रहा है आपके पास आप उसको पहले इश्यू करे जा रहे हैं, तो समझने में बहुत इजी मेथड है. इन्वेंट्री वैल्यूज अप टू डेट प्राइसेस, इसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. ओके, okay.
ठीक है, इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये ग्राफ मैं आपके यहाँ पर बना रही हूँ, छोटा सा हम लोग यहाँ ग्राफ देखते हैं। वन मिनट, फिफो मेथड। अब देखिए यहां पर मैंने लिया है टाइम पीरियड, ओके, यहां पर मैंने लिया है टाइम पीरियड और ये एक्स एक्सिस है हमारी एंड दिस इज वाई एक्सिस और यहां पर मेरा क्या है कॉस्ट है, राइट। एक्स एक्सिस पर मेरा टाइम पीरियड है एंड वाई एक्सिस पर है मेरा कॉस्ट है। नाउ अब हमारा अगर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फिफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिफो मेथड में क्या होगा, जो हमारे पास पहले आ रहा है आप उससे पहले इश्यू कर रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास पहले आया है इस टाइम पर, ये टाइम है, टाइम लाइन है और मेरे पास अगर आ रहा है, ये मेरे पास अगर पहले गुड्स आया तो आपने इसको पहले इश्यू कर दिया और जो बाद में आया है, ओके वेट अ मिनट, हम एक बार वापस देखते हैं, ओके राइट। ये टाइमलाइन है सपोज, अब इस टाइमलाइन पर अगर मेरे पास ये गुड्स पहले आया है तो आपने इसको पहले इश्यू कर दिया और जो बाद में आया है वो आपके पास क्या रह जाएगा, स्टॉक में रह जाएगा। अभी हमने एग्जांपल क्या देखा कि 100 यूनिट्स आई एट द रेट 10 फर्स्ट अक्टूबर को, ठीक है, और फिर सेकंड को हमारे पास आई 100 यूनिट्स एट द रेट रुपी 20, थर्ड अक्टूबर को आई 50 यूनिट्स एट द रेट मेरे पास 15 पे आई। तो मैंने क्या किया, फोर्थ अक्टूबर को मैंने अगर इश्यू किया सपोज 120 यूनिट्स, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास पहले आई उसको मैंने पहले इश्यू कर दिया, 100 को मैंने इश्यू कर दिया एट द रेट रुपी 10 और फिर 20 उसके बाद जो आई वो मैंने इश्यू कर दिया 20 की रेट पर, ठीक है। तो मैंने इश्यू क्या किया है, जो मेरे पास पहले आया था गुड्स उसको मैंने इश्यू किया और जो बाद में आया हुआ है वो मेरे पास क्या रह गया, इन्वेंट्री रह गई है, राइट। तो इन्वेंट्री मेरे पास कौन सी वाली है, जो मेरे पास बाद में आई है, ठीक है, यानी कि करंट प्राइस पर इन्वेंट्री मेरी कैसी है, अप टू डेट है, यानी कि इन्वेंट्री हम किस पर शो कर रहे हैं, करंट प्राइस पर शो कर रहे हैं, ओके। तो इन्वेंट्री हमारी किस पर शो होती है, वो अप टू डेट होती है, करंट प्राइस पर होती है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है, पहला एडवांटेज हो गया लॉजिकल है, सेकंड हो गया इजीली अंडरस्टूड है, थर्ड हो गया कि इन्वेंट्री जो होती है वो हमारी करंट वैल्यू पर होती है ना, अप टू डेट प्राइस पर होती है। नाउ एक्सेप्टेबल टू HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स एंड IAS 2। ये HM रेवेन्यू एंड कस्टम क्या है, ये है UK की टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये UK की जो टैक्स अथॉरिटी है वो भी कौन सा एक्सेप्ट करती है, फीफो मेथड। वो दो मेथड एक्सेप्ट करती है, ये करती है फीफो एंड ये वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। लीफो मेथड को वो एक्सेप्ट नहीं करके चलते हैं। तो ये यूके मेथड, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने फीफो मेथड पे बनाया है तो वो आपकी HM रेवेन्यू एंड कस्टम अथॉरिटी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेप्ट करती है। और IAS 2 अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी आपका फीफो मेथड अडॉप्ट करके चलता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है फीफो मेथड। तो ये एडवांटेजेस है सारे आपके फीफो मेथड के। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इश्यूज में भी आउट ऑफ डेट प्राइसेस। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये वाला ये जो इश्यू किया ये कौन सी किया है, पुरानी वाली प्राइसेस पर किया है, ये ओल्ड प्राइसेस पर किया है और जो इन्वेंट्री है वो मेरी क्या है, ये करंट प्राइस पर है। तो यहां पर इन्वेंट्री मेरी कैसी है, करंट प्राइस पर इन्वेंट्री शो हो रही है और इश्यूज क्या है मेरे, आउट ऑफ डेटेड यानी कि ओल्ड प्राइस पर मेरी इश्यूज शो होते हैं, ठीक है। तो इट इज एन डिसएडवांटेजेस। इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो देखिए राइजिंग प्राइसेस पर क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हाई शो होता है। अब राइजिंग प्राइसेस का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए सपोज ये है मेरा राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड, राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड चल रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन। तो हमारा इन्फ्लेशन मतलब ये वाला एक्स एक्सिस पर मेरा टाइम पीरियड चल रहा है और यहां पर कॉस्ट है।
इन्फ्लेशन का मतलब जानते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चलता जा रहा है हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हुई जा रही है। कोई चीज थी आज से 1 month पहले, सपोज वो 1000 रुपी में मिल रही थी, आज उसकी वैल्यू हो गई 1200 रुपीज, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन का इस तरह का ट्रेंड चलता है टाइम के साथ साथ, मतलब जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का हमेशा ये वाला ट्रेंड चलता है। नाउ हम लोग मेथड कौन सा चल रहा है, हमारा मेथड चल रहा है फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो इश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपने पहले आपके पास आया आप उसे क्या दिखा देते हैं, इश्यू दिखाते हैं, राइट। और जो बाद में आया है वो आपके पास क्या रह जाता है, स्टॉक में रह जाता है। ओके, यानी कि इश्यू आपके किस पर होता है, ओल्ड प्राइस पर होता है, और क्लोजिंग स्टॉक किस पर होता है, करेंट प्राइस पर होता है। नाउ देखिए यहां पर करंट प्राइस क्या है, हाई है। ओके, करंट प्राइस क्या है आपकी, बहुत ही हाई शो हो रही है, और ओल्ड प्राइस क्या है आपकी, ये लो शो हो रही है, ठीक है, कम है। तो हमारा जो देखिए अब क्या होगा, हमारा यहां पर राइजिंग प्राइसेस के ट्रेंड में क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक किस पर होगा, हाई वैल्यू पर होगा, हाई वैल्यू पर होगा, क्योंकि देखिए मेरा प्राइसेस बढ़ रही है, तो जो मेरे पास आज मटेरियल आया है वो मेरे पास ज्यादा कॉस्ट पर आया है, हाई प्राइस पर आया। मेरे पास कल किसी मटेरियल की प्राइस थी 1000, आज उसी की प्राइस हो गई है 1200 रुपीज, राइट। तो मेरा एक कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है। जो मेरी 1000 पर थी उसको तो मैंने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, राइट। तो मेरी और वही मटेरियल, उतनी ही क्वांटिटी का मटेरियल मेरे पास आज 1200 में आया है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रखा हुआ है, 1200 वाला मेरा स्टॉक में रखा हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास पहले आया था उसको आपने इश्यू कर दिया, जो आज आया हुआ है, जो अभी का आया हुआ है उसको आपने स्टॉक में करके रखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हाई वैल्यू पर हो रहा है, और जो इश्यू है वो किस पर हो रहा है आपका, लोअर वैल्यू पर। जो आपके पास पहले आया हुआ है वो आपने लोअर वैल्यू पर करा है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, कॉस्ट इश्यू की कम है, तो आपका प्रॉफिट बुक्स में कैसा शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को पता ही है, अकाउंट्स में आप लोगों ने सबने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुक्स में कैसा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, तो प्रॉफिट भी कैसा शो होता है, हमारा हाई शो होता है। तो इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई, तो हाई क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है फीफो मेथड में, राइजिंग प्राइसेस के टाइम पर हमारा प्रॉफिट कैसा शो होता है, हाई प्रॉफिट शो होता है। एंड कॉस्ट कंपेरिजन बिटवीन जॉब्स आर डिफिकल्ट। आज ही मैंने एक इश्यू किया और सेम मटीरियल मैंने इश्यू किया है फीफो मेथड से कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे मैंने किसी दूसरे जॉब को किया है, तो पहले वाला मटीरियल अगर मेरा राइजिंग प्राइसेस पर है या फॉलिंग प्राइसेस पर है तो पहले वाले की कॉस्ट डिफरेंट आएगी, दूसरे वाले को जो हमने किया उसकी कॉस्ट डिफरेंट आएगी, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आएगी, तो दो जॉब्स के बीच में आप कंपेरिजन फीफो मेथड में मुश्किल होता है, राइट। ये इलस्ट्रेशन है ये फीफो मेथड पर, तो आइए हम इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। देखिए क्या है, एम लिमिटेड हैड द फॉलोइंग मटेरियल ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन मार्च। तो फीफो मेथड में से करेंगे अभी हम इसे, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 10 यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है 2, रिसिप्ट से रखी है 2 मार्च की, क्वांटिटी है 70 @2.2, इश्यू किया है 40 यूनिट्स, अगेन रिसिप्ट से 4 मार्च को 50 यूनिट्स @2.3, और 5 मार्च को आपने इश्यू किया 70, पर यूनिट प्राइसेस आर राउंडेड टू 2 decimal places एंड टोटल फिगर्स आर द टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब अभी हम लोग देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम तीनों मेथड्स पढ़ेंगे, फीफो मेथड भी पढ़ेंगे, लीफो मेथड भी पढ़ेंगे, और एवरेज वेटेड कॉस्ट मेथड भी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हमने फीफो मेथड देखा है, राइट, और फीफो मेथड पर ये वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले किससे कर रहे हैं, फीफो मेथड से कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से भी करेंगे और सेम क्वेश्चन को हम एवरेज वेटेड कॉस्ट मेथड से भी करेंगे, ताकि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फीफो मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम इसे फीफो मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए फीफो मेथड का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट कैसे बनता है। हमारे 4 कॉलम होते हैं, पहला कॉलम होता है डेट का कॉलम होता है, राइट, सेकंड कॉलम हमारा होता है रिसिप्ट का,
देन इश्यू एंड लास्ट कॉलम हमारा होता है बैलेंस। ओके, अगेन रिसिप्ट में हमारे तीन कॉलम्स बनते हैं, एक कॉलम हमारा क्वांटिटी, सेकंड वन इज फॉर रेट एंड थर्ड वन इज फॉर अमाउंट। सेम इश्यू में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, यहां पर भी यही रहता है क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, नाउ अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग फीफो मेथड से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखिए ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 1 मार्च को 10 यूनिट्स है एट द रेट ₹2। तो यहां हम डेट के कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस, मैं यहां लिख रही हूं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है हमारा बैलेंस वाले कॉलम में जाएगा, इट इज 10 यूनिट्स एट द रेट टू, 10 एट द रेट टू, और हमारे पास कितने हो गई हैं, अमाउंट हो गया है 20। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। नाउ अब देखते हैं हमने रिसीव किया, रिसिप्ट है हमारी 2 मार्च को 70 यूनिट्स हमने रिसीव की एट द रेट 2.2। चलिए रिसिप्ट लिख रहे हैं हम लोग, यहां पर रिसिप्ट है हमारी कौन सी डेट को है, 2 मार्च, ये डेट का कॉलम है, हमने यहां लिखी रिसिप्ट। कितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की है, 70 यूनिट्स रिसीव किए एट द रेट 2.2। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 70 × 2.2, ये हो जाएगा 154। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, एक तो 10 रहा 2 की रेट से, 10 यूनिट्स हैं और 70 यूनिट्स हैं एट द रेट 2.2 जिनका अमाउंट है 154। सो ये हो गया हमारा 2 मार्च को। नाउ इसके बाद क्या होता है, देखिए 3 मार्च को हमने इश्यू किया 40 यूनिट्स, राइट। 3 मार्च को हमने क्या किया, 3 मार्च हमने 40 यूनिट्स इश्यू करी है। नाउ हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास इनमें से पहला आया हुआ कौन सा मेथड, कौन सा मटेरियल है, वो है 10 यूनिट्स। तो हमने सबसे पहले तो 40 में से के लिए 10 यूनिट्स हम पहले ये वाली लेंगे, ठीक है, एट द रेट 2.20। लेकिन अभी हमें 30 यूनिट्स और लेनी है, तो 30 यूनिट्स अब हम नेक्स्ट वाले से लेंगे, ठीक है, 70 वाले से, तो 2.2। तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 × 2.2, दैट इज ₹66। अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 70 में से 30 गया, 40 यूनिट्स का बैलेंस है एट द रेट 2.2, कितने का बैलेंस रह गया है, 88 का बैलेंस रह गया। नाउ इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड मार्च के बाद 4 मार्च, 50 यूनिट्स अगेन हमने रिसीव करी, चलिए लिख देते हैं 4 मार्च, 4 मार्च अगेन हमने क्या किया है, 50 यूनिट्स रिसीव करी है, कितनी रेट पर, 2.3 की रेट पर, 2.3 पर यूनिट की रेट पर हमने 50 यूनिट्स रिसीव करी है। तो 50 × 2.3 कितना हो गया, ₹115 का आया है, राइट, ₹115। और क्या किया है, अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, देखिए 40 यूनिट्स तो हमारे पास पहले की यूनिट थी 2.2 की रेट से, बैलेंस 88 ये तो था ही, और अभी हमारे पास 50 यूनिट्स और आ गया है एट द रेट 2.3115। तो अब हमारे पास कितना हो गया है, ये हमारे पास बैलेंस रह गया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, 5 मार्च को हमने 70 यूनिट्स हमने इश्यू करी है। तो 5 मार्च को हमने क्या किया, 70 यूनिट्स इश्यू करी है। अब नाउ 70 यूनिट्स हम किस तरह से इश्यू करेंगे, वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड। ओके, तो फीफो मेथड में 70 के लिए हम सबसे पहले वाली जो यूनिट्स आए 40, तो हम पहले तो कहां से करेंगे, 40 यूनिट्स यहां से लेंगे 2.2 से, और रिमेनिंग जो हमारी 30 यूनिट्स रह गई है वो इस नेक्स्ट वाली 50 से लेंगे,
राइट। तो 50 से कितने में लेंगे, 2.3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2.2 तो हमारा 88 है, एंड 30 इंटू 2.3 की रेट से इसकी इश्यू प्राइस हो जाएगी 69। अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 50 में से 30 गया तो 20 यूनिट्स का बैलेंस रह गया है, यानी कि हमारे पास कितना रह गया है, 20 इंटू 2.3, 46 रुपीज का हमारा बैलेंस रह गया है। ओके, तो ये रहा हमारा फीफो मेथड से। तो ये फॉर्मेट फीफो मेथड का है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास पहले है उस मटेरियल को आप पहले इश्यू कर दीजिए। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये इन्वेंट्री है हमारी 22.3 की रेट से 46, ये हमारे पास इन्वेंट्री है। और अगर हम इश्यू प्राइस देखते हैं तो देखिए यहां पर इश्यू प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। इश्यू प्राइस फिफो मेथड से कितना हो जाएगा, तो इश्यू प्राइस होगी हमारी, एक तो जो हमने 3 मार्च को इश्यू किया, 3 मार्च की इश्यू प्राइस होगी हमारी 20 प्लस 66, प्लस फिर 5 मार्च की, 5 मार्च को हमने इश्यू किया है 88 प्लस 69, राइट। तो टोटल इश्यू कितने का हो गया हमारा, 20 प्लस 66 प्लस 88 प्लस 69, ये हो गया है $243 का हमारा इश्यू हो गया है। दिस इज द इश्यू प्राइस, राइट। सो ये है हमारा फिफो मेथड से। ये देखिए 86 एंड 157, ये दोनों मिलाकर आपके हो गए 243। तो टोटल इश्यू प्राइस हमारी 243 हो गई है, एंड दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। सो ये रहा हमारा फिफो मेथड। तो फिफो मेथड में क्या चीज है, एक बार हम वापस देखते हैं फिफो मेथड। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे परचेज्ड। तो जिस ऑर्डर में आप परचेज कर रहे हैं उसी ऑर्डर में इश्यू कर रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, फिफो मेथड कहलाता है। तो फिफो मेथड की कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला फीचर है इसका कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो किस पर होता है, करंट इन्वेंट्री पर होता है, करंट वैल्यू पर होता है, ठीक है। लेकिन जो इश्यूज होते हैं वो ओल्ड प्राइस पर होते हैं। देखिए यहां पर, ये अभी हमने एग्जांपल में देखा है, यहां पर देखिए सबसे बाद में आपका कौन सा आया है, 2.3, ये करंट वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द करंट वैल्यू। और जो इश्यू हमने किया हुआ है वो देखिए, वो इश्यू प्राइस कौन सी है, पुरानी वाली, ओल्ड प्राइसेस पर हमने इश्यू दिखा रखे हैं, ओके। तो यहां पर इश्यू क्या है, ओल्ड प्राइसेस पर है, ये सारे ओल्ड प्राइसेस पर 2.2, और जो आपका जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट वैल्यू पर रहेगा, राइट। तो फर्स्ट फीचर हो गया कि ये करंट वैल्यू पर रहता है और इश्यू ओल्ड प्राइसेस पर रहता है। इसके अलावा एक और जो है इसका फीचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या है, इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पर अगर हम फिफो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखिए ये राइजिंग प्राइसेस का ये ट्रेंड होता है कि आपकी प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, करंट वैल्यू पर होता है, करंट वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक है। तो करंट वैल्यू क्या होगी, राइजिंग प्राइसेस के ट्रेंड पर करंट वैल्यू हाई होगी, तो आपकी हाई वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। इश्यू प्राइस यानी कॉस्ट आपकी लोअर रहेगी, कम प्राइस पर रहेगी, तो कॉस्ट कम है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट बुक्स में कैसा दिखता है, हाई प्रॉफिट दिखता है। तो इट इज अ, ये आपका डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। फिर हमने फिफो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, कि एक तो बहुत ही लॉजिकल है कि जो पहले आ रहा है आपसे पहले इश्यू कर दो, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और इन्वेंट्री आपकी करंट वैल्यू पर रहती है, और एक्सेप्टेबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि HM रेवेन्यू एंड कस्टम जो UK की टैक्स अथॉरिटी है, एंड IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका फीफो मेथड एक्सेप्ट करते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेजेस, इश्यूज आउट ऑफ डेट होता है, बिल्कुल ओल्ड प्राइसेस पर होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
राइजिंग प्राइसेस के टाइम पर ये हाई प्रॉफिट दिखाते हैं, वो भी हमने देख लिया। एंड दो जॉब्स के बीच में कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक जॉब को आप डिफरेंट प्राइस पर इश्यू कर रहे हैं, दूसरे जॉब को आप दूसरे प्राइस पर इश्यू करेंगे, तो क्या हो जाता है आपका कॉस्ट कंपैरिजन, सेम चीज के लिए भी कॉस्ट कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नाउ हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं, डेट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड। नाउ अब लीफो मेथड में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है आपको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है आप उससे पहले इश्यू करो। ओके यहां देखिए, जो बाद में आया है आप उससे पहले इश्यू करो, जो पहले आया हुआ है वो आपके पास क्या रहेगा, स्टॉक में रहेगा, और जो बाद में आया है आप उसे पहले इश्यू कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहां पर होता है, कहां ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे हम बड़े बड़े गोडाउन में देखते हैं आपके पास, जैसे अगर हम देखते हैं वीट के या राइस के बड़े बड़े आपके बैग्स होते हैं, वो आते हैं और आप उसे रख देते हैं, ठीक है, गोडाउन में रखे जा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरा, आपने बहुत बड़ा एक पाइल बन गई आपकी। ओके अब क्या होगा, जब आपको उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करते हैं, जो ऊपर है आप ऊपर से ही निकाल के रह गए, ठीक है। जैसे कोल मर्चेंट, अब कोल मर्चेंट क्या करते हैं, कोल मर्चेंट के यहाँ पर एक गोडाउन है, ये उनका एक बिन बना हुआ है, तो यहाँ पर कोल उन्होंने स्टोर किया, ये पहले आया हुआ स्टोर, फिर बाद में और आया कोल आया, वो उन्होंने और स्टोर करके रख दिया, राइट, ये और स्टोर करके रख दिया, और आया, फिर और आया, और उन्होंने स्टोर करके रख दिया। नाउ अब जब इन्हें निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो निकालने की जरूरत पड़ेगी तो ये नीचे से नहीं निकालेंगे, यहाँ ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इन के लिए उनको नीचे से निकालना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, अब कॉल तो कोई खराब होने वाली चीज है नहीं, पेरिशेबल गुड्स है नहीं, तो क्या करते हैं, ऊपर से ही निकाल कर ले जाते हैं, तो यहां पर जो बाद में आया वो पहले इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, कॉल इन्वेंट्रीज के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, लिफो मेथड यूज होता है। ओके लिफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो आप पहले इशू कर रहे हैं, तो आपके पास स्टोर में कौन सा रहेगा, जो आपके पास पहले आया हुआ है। अब एडवांटेजेस देखते हैं इसे, इश्यू प्राइजेस आर अप टू डेट। अब बस हम देख ही रहे ना कि जो करंट है वो तो आप क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, और जो ओल्ड प्राइस पर है वो क्या हो गया, पास आपके पास स्टॉक में रहेगा, तो आपका एक एडवांटेज तो क्या हो गया, इश्यू प्राइस अप टू डेट है। और डिसएडवांटेज क्या हो गया आपका इसका, कि डिसएडवांटेजेस हो गया, इन्वेंट्री वैल्यू यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आर वेरी आउट ऑफ डेट। कैसे है ये, आउट ऑफ डेट है, ठीक है, ये आउट ऑफ डेट चलेगा आपका। नाउ सेकंड देखिए, इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड। क्या राइजिंग प्राइसेस में क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट, ये एडवांटेज है कि जो रिपोर्टिंग प्रॉफिट होगा वो आपका रिड्यूस होगा। देखिए कैसे रिड्यूस होता है, इसको मैं एक ग्राफ से समझाते हैं, जैसे हमने फीफो में ग्राफ देखा वैसे ही हम यह ग्राफ देख रहे हैं। तो ये राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड है, ये मेरा टाइमलाइन है, एक्स एक्सिस पर मेरा टाइम है और वाई एक्सिस पर हमारी कॉस्ट है। तो क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारा कैसा ग्राफ चलता है इसका, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ चलता है इन्फ्लेशन का। ओके नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बाद में आया है उससे आपने पहले इश्यू करा, लुक जो ये बाद में आया है ना, आपने इसे क्या किया, पहले इश्यू कर दिया, ये किसमें है, लिफो मेथड में। और जो पहले आया हुआ है वो आपके पास क्या है, स्टॉक में रखा हुआ है। अब जो बाद में आया ये करंट प्राइस पर आया है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका किस पर है, ओल्ड प्राइस पर है। नाउ ओल्ड प्राइस, ये देखिए ओल्ड प्राइस तो कम पर है, और इश्यू जो आपने किया है वो क्या क्या है, हाई प्राइस पर कर दिया है। तो इश्यू क्या किया आपने, इश्यू आपका शो हो रहा है किसमें, राइजिंग प्राइसेस में। राइजिंग प्राइसेस में इश्यू जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, हाई प्राइसेस पर है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस पर है, लो प्राइसेस पर शो हो रहा है। अब देखिए कॉस्ट आपकी ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, प्रॉफिट कैसा शो होगा, प्रॉफिट शो होगा लो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट कैसा शो होगा, लो। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, बुक्स में प्रॉफिट कम दिखाते हैं अगर हमारे पास लीफो मेथड हम यूज कर रहे हैं। लुक
हम बुक्स में प्रॉफिट कम दिखाएंगे, इसका हमें क्या एडवांटेज होगा? अगर हम बुक्स में कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो हमें टैक्सेस भी कम पे करने होते हैं, और अगर हमारे हाई प्रॉफिट दिखाएंगे तो हमें हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। सो अगर हमारी बुक्स में लिफो मेथड यूज कर रहे हैं, राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड है, तो बुक्स में हमारा क्या होगा? लोअर प्रॉफिट शो होगा और हमें कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। सो इट इज एन एडवांटेजेस सिचुएशन फॉर अस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? द मेन डिसएडवांटेज ये है लिफो मेथड का कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम अथॉरिटी जो आपकी टैक्स यूके की टैक्स अथॉरिटी है वो इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस मेथड पर है तो वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो भी यही कहता है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो लिफो मेथड उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो दो ही मेथड एक्सेप्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज फीफो एंड सेकंड वन इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या एवरेज वैल्यू कॉस्ट मेथड। ओके, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये इट इज एन डिसएडवांटेजेस। नाउ इन्वेंट्री वैल्यूज इज आउट ऑफ डेट, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपकी ओल्ड वैल्यूज पर होता है, ये हम देख ही चुके हैं। कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू जॉब्स आर डिफिकल्ट, यस यहाँ पर भी यही होता है, क्योंकि आप सेम इन्वेंट्री एक पहले वाले को इश्यू कर रहे हो, दूसरे जॉब में इश्यू कर रहे हो, तीसरे जॉब में इश्यू कर रहे हो, तीनों की अलग अलग प्राइजेस होगी बिकॉज यू आर यूजिंग लिफो मेथड। ठीक है, तो कॉस्ट कंपेरिजन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये एक आपका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। नाउ अभी हमने क्या देखा, एक हमने देखा फीफो मेथड से और दूसरा हमने देखा है लिफो मेथड से। तो एक बार जरा हम फीफो और लिफो में कंपैरिजन देख लेते हैं। फीफो मेथड मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास पहले आ रहा है आपने उसे क्या किया, पहले इश्यू कर दिया। लिफो मेथड मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया आपने उसे पहले इश्यू किया। फीफो मेथड किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए यूजफुल होता है? जो गुड्स पेरिशेबल होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बिजनेसमैन फीफो मेथड ही यूज करते हैं, जो पहले आ रहा है उसे पहले इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पेरिशेबल गुड्स के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड है, क्योंकि जो गुड्स पहले आया आप उसे पहले इश्यू कर रहे हैं और बाद में आए वाला आपके पास फ्रेश है, उसको आप स्टॉक करके रख रहे हैं, क्योंकि पहले वाला जो ओल्ड है वो आपके पेरिशेबल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो फीफो मेथड वहां यूज रहता है। और लिफो मेथड हम किस बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल मर्चेंट है, तो कोल मर्चेंट के लिए वो यूजफुल है। इस तरह से जैसे हमारी वीट की पाइल्स बन रही हैं, तो वीट के आपने बहुत बड़ी बड़ी पाइल्स बना दी, इसमें अगर आप वीट स्टोर करके रख रहे हैं, ओके, तो आपने जो पहले आया उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन होता है निकालने वाला वो क्या करता है, जो बाद में आया हुआ उसको निकाल कर ले जाता है, तो लिफो मेथड आप वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ लिफो एंड फीचर्स ऑफ फीफो, दोनों के फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, फीफो मेथड कौन एक्सेप्ट करते हैं? एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम अथॉरिटी एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों आपके फीफो मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, ये फीफो का एडवांटेज है। लिफो का यही डिसएडवांटेज है कि दोनों उसको यूज नहीं करते हैं। फीफो मेथड इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, ओके, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लॉजिकल है, और यहां पर क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू अप टू डेट रहती है। यहां पर क्या, कौन सा करंट प्राइस पर होता है, इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक करंट प्राइस पर होता है। और लिफो मेथड में क्या होता है आपका, लिफो मेथड में इश्यू प्राइस करंट प्राइस पर होता है, ठीक है, अप टू डेट मतलब करंट प्राइस पर। फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक करंट प्राइस पर होता है और लिफो मेथड में इश्यू प्राइस करंट प्राइस पर होती है। वही डिसएडवांटेज क्या हो गया, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ओल्ड प्राइस पर होता है, आउट ऑफ डेट, और वहां पर क्या होता है हमारे, इश्यू प्राइस ओल्ड प्राइस पर होता है, आउट ऑफ डेट होता है, राइट। दोनों में ही कॉस्ट कंपैरिजन बहुत ही डिफिकल्ट है, किसमें, फीफो में और लिफो, दोनों ही मेथड में कॉस्ट कंपैरिजन क्या है हमारा, बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। तो ये तो क्या हो गया हमारे, फीफो और लिफो मेथड के कुछ फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ अभी हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, फिर हमें इसका इलस्ट्रेशन भी करना है, ओके, तो अभी हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ये अभी हम कर लेंगे,
आज के लिए हम इतना ही करेंगे. सो थैंक यू.